उसका रीजन ये होता है कि आरओ एक ही है ना, काउंटिंग एक ही जगह पे हुई है। आपने किसी भी पोलिंग बूथ पे डाला मैटर नहीं करता, आपने किस बंदे को डाला वो मैटर करता है। जो मेरा प्रेजाइडिंग सर यहाँ होगा ना, अदरवाइज तो जब प्रेजाइडिंग ऑफिसर वोट ऐसे होती है तो वो वोट लिस्ट का वोट यहाँ पे है डालता है। मेरा वोट काला मन में है, मैं डालना यहाँ चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे वो जो मेट्रो वाले आलो सर्टिफिकेट दे। ठीक है, ये आप अभी हमारे पास समय बहुत कम बचा है, अगर एनर्जी से हो जाए थोड़ा डाटा भी हम प्रोवाइड करते हैं जो भी चाहिए सर। आप सभी जानते हैं एमपी की इलेक्शन या लोकसभा 2024 की इलेक्शन आने वाले समय में किसी भी टाइम पर नोटिफाई की जा सकते हैं। इसके रिलेटेड हमारे जितने भी 20 नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी आज मीटिंग थी, एक ब्रीफ उनको सेंसिटाइज करने के लिए ब्रीफ एक मीटिंग की गई जिसमें जो भी नोडल ऑफिसर का जो काम है उसके बारे में उसको सेंसिटाइज किया गया और जो जो उन्होंने फील्ड पर काम करने हैं उनके बारे में उनको बताया गया कि आप आज के बाद अपने इलेक्शन मोड में आ जाएं और जो जो आपका काम है जो आपको गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना है वो आप तुरंत शुरू कर दीजिए ताकि एट 11th आर हमें कोई दिक्कत ना आए। पूरे जिला भर में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं इलेक्शन के लिए? अभी इसके रिलेटेड तो ये आपको मैं बाद में ही बताऊंगा अभी क्या तैयारी है, अभी शुरुआत है, बाकी तैयारियां चल रही हैं अपने लेवल पर। ठीक है।